बेटा आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर उपभोक्ता संतुलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, के बारे में अध्ययन करेंगे। एक उपभोक्ता कौन होता है? हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर वह है जो कीमत देकर बाजार से वस्तुओं का और सेवाओं का क्रय करता है। लेकिन कभी आपने ऐसा विचार किया है कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का क्रय क्यों करता है? वाई डज द कंज्यूमर बाई सेल्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट? अगर आप ध्यान देंगे या थोड़ा सा विचार करेंगे तो जान जाएंगे कि हर वस्तु से उपभोक्ता का कोई ना कोई उपयोगिता अवश्य प्राप्त होती है। हर वस्तु में ऐसी एबिलिटी होती है जिससे उपभोक्ता की कोई ना कोई एक आवश्यकता अवश्य संतुष्ट की जा सकती है, जिसे हम यूटिलिटी कहते हैं। और उपभोक्ता जब भी वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, इसी संतुष्टि के कारण, इसी उपयोगिता के कारण उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। और इस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए ही उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं का क्रय करता है। तो उपयोगिता से अभिप्राय वस्तुओं व सेवाओं की संतुष्टि प्रदान करने की नीत क्षमता से है। यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज वन सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। यूटिलिटी किसी कमोडिटी की वांट्स सेटिस्फाइंग पावर को यूटिलिटी कहते हैं। यदि हम मैगी खाते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारे यूटिलिटी का काम करता है। यदि हम आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम खाकर हमें क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन। वो हमें सेटिस्फेक्शन मिला आइसक्रीम की, वो यूटिलिटी पावर है। यूटिलिटी बेटा दो प्रकार की होती है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो बेटा ये छोटी छोटी वीडियो मैं बना रही हूँ जिससे कि आपको डाउनलोड करने में दिक्कत ना हो।